देखिए हम मुंबई आए हैं और मुंबई आने के बाद मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। भागदौड़ की ज़िंदगी में उनके जीवन में बहुत सारे तनाव हैं, डिप्रेशन है। स्पिरिचुअलिज्म के माध्यम से, आध्यात्म के माध्यम से, बिना किसी दवाई के सबसे बड़ा मेडिसिन है हमारा आत्मबल, हमारा स्पिरिचुअलिज्म। उसके माध्यम से मुंबई कर जितने हैं, मुंबई के लोग हैं, वो तनाव रहित जिंदगी जिए और भारत के उत्थान में अपना योगदान बहुत ज़्यादा दें। इसके लिए मैं मुंबई के दौरे पर 3 दिन के लिए आया हूं। आज यहां पर मेरा कार्यक्रम था, हमने लोगों को संबोधित किया है। मुझे विश्वास है कि लोग आनंदित होंगे, सफल होंगे और भारत की उन्नति में अपना योगदान देंगे। सर, इन दिनों हम देख रहे हैं कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही है लोगों के साथ में। सर, क्या क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से कि लोग पॉजिटिव फील करें? देखिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। एक दृष्टि भगवान राम की है जो कहते हैं कि जो मेरा है वो सबसे सुंदर है, और एक दृष्टि रावण की है जो कहता है जितना सुंदर है वो सब मेरा होना चाहिए। तो जो लोग रावण की दृष्टि से जिएंगे उनको तनाव होगा, जो भगवान राम की दृष्टि से जिएंगे उनके तनाव कम होंगे और वो आनंद में जिएंगे। सर, रामनवमी भी आने वाली है, क्या कहना चाहेंगे सर अयोध्या में राम मंदिर? देखिए, ये वर्ष तो भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए श्रेष्ठ है। 500 वर्षों से खोई हुई भारतीय अस्मिता को 22 जनवरी को प्राप्त किया गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। अब सब लोग, भगवान राम का जन्म तो हर बार आता है लेकिन हमारे हृदय में जन्म ले, अब तक पांडालों में जन्म ले रहे हैं। जब हमारे हृदय में भगवान राम का जन्म होगा, आचरण आएंगे, तो भारत राम राज्य की ओर जाएगा। देखिए, पिछले दिनों मैं अभी अयोध्या में था तो जर्मनी के एक पत्रकार ने मुझसे पूछा था कि जर्मन के बच्चे भी जानते हैं कि जब वेटिकन सिटी की बात होती है तो क्रिश्चियनिटी याद आती है, जब मक्का मदीना की बात आती है तो इस्लाम याद आता है। वैसे अयोध्या, मथुरा और काशी की जब भी याद आती है तो हिंदुत्व, तो भगवान राम, कृष्ण और भोलेनाथ याद आते हैं। तो ये तो सर्वविदित है, ये भगवान के स्थान हैं और ये सारे स्थान पर भगवान का दिव्य मंदिर एक बन भी गया, उनका विकास भी हो रहा है। मुझे विश्वास है कि 140 करोड़ भारतवासी आपस में मिलकर और आक्रांताओं द्वारा जो कुछ तोड़े गए थे, बर्बाद किए गए थे, उनको पुनः खड़ा करके हम सब देशवासी एक साथ रहेंगे, तीनों जगह मंदिर बने। देखिए, मैं उनकी नीतियों पर बहुत विश्वास रखता हूं और जिस मनुष्य की नीति अच्छी होती है वहां नियति भी उनकी सहायता करती है। तो प्राइम मिनिस्टर को मैं देख रहा हूं कि भारत के लिए काम कर रहे हैं, 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो या किसी चीज के लिए, वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये बोलने में संकोच नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं,
लोकतंत्र में आपको अपने मतों का प्रयोग करना होता है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो तो साधु का काम है उनके लिए बोलना और लोगों में जागरण करना। मुझे लगता है सरकार अच्छी है और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। प्रकाश जी ने गाना गाया है, क्या कहना चाहिए? प्रकाश जी मेरे पुत्र समान हैं और प्रकाश जी ने बहुत अच्छा गाया है, मैं परसों भी सुना था उनको। मुझे लगता है ये उभरते हुए नहीं बड़े एस्टेब्लिश्ड हैं, आने वाले दिनों में ये अच्छी चमक बिखेरेंगे इस मुंबई नगरी में भी और भारत में भी। थैंक यू सर, थैंक यू। बोलो सर, गुरुदेव आज रजिस्टर मुंबई में उनका आगमन हुआ, बहुत आए भारतीय जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है इस तरीके के संत जब हमारे बीच आते हैं उनका आशीर्वाद हमको मिलता है तो कितनी खुशी होती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और आज यहाँ से क्या लेकर जा रहे हैं? सबसे पहले हमारी संस्था को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ तो भारत भारती को कि ऐसे रितेश्वर जी महाराज जो मोदी जी के गुरु हैं और जिस प्रकार से उन्होंने राष्ट्र निर्माण के बारे में बताया, गौ के बारे में बताया और प्राणियों में किस प्रकार से सद्भावना होनी चाहिए, अपने को कैसे डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में प्रकाश बताया उन्होंने बताया, ऐसा सौभाग्य प्राप्त होना ये बहुत ही मतलब एक अनुभव प्राप्त हुआ है और ऐसा प्रतीक होता है मानो ईश्वर हमें बता रहे हैं कि तुम सजग हो जाओ, अपने चीज़ों को संभाल लो, आने वाले दिन में जिस प्रकार से हम लोग अपनी संस्कृति की बात करते हैं, अपनी सभ्यता की बात करते हैं, उसको पूर्ण रूप से हमें पूर्ण करना चाहिए और ऐसे मुझे लगता है कि आने वाले दिन में जिस प्रकार से युक्तेश्वर जी महाराज ने बताया हम लोगों को कि आगे किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, आपको ये बताते खुशी होती है कि आसाम से जब मैंने इनको बताया युक्तेश्वर जी महाराज जी आ रहे हैं, इन्होंने तुरंत बोला कि मैं टिकट करा के किसी भी हालत में आऊँगा लेकिन ज़रूर आऊँगा दर्शन करने के लिए। तो ऐसा उनका स्वभाव है, ऐसा उनका विचार है और उनके विचार को सुनने के लिए लोग भारतवर्ष के कोने कोने से लोग आते हैं और आज मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज उनका प्रवचन मुझे भी सुनने को मिला और मैं भी उनसे बहुत लाभान्वित हुआ। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आसाम से खास करके? हाँ, मैं विशेष कर यही कहना चाहूँगा कि आज के इस गौ भारत भारती की सौजन्य से जो कार्यक्रम रखा गया है, जो हमारे रत्नेश्वर महाराज जी आए हैं यहाँ पर महाराष्ट्र की धरती पर, तो ये बहुत ही पुण्य धरती पर आए हैं, महापुरुष का आगमन होना चाहिए हर जगह। और मैं विशेष कर यही कहना चाहूँगा कि कहते हैं आग लगी आकाश में झरझर परे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। कहने का मतलब आग लगी आकाश में, मतलब आग मतलब हमारे इस मस्तक को कहा गया है, तो संसार राष्ट्राही महाम है, संत न होते जगत में तो जल मरता ये संसार। जब तक हमें शांति का संदेश, आत्मा का ज्ञान, सद्भावना का संदेश जन जन तक अगर न फैलाया जाए तो हमारा देश जो है सुरक्षित नहीं है, हमारे जनमानस सुरक्षित नहीं है। इसलिए ये आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इतने दूर से 2500 किलोमीटर से दूर से हम चल के आए गुरुजी का दर्शन करने के लिए, हमारा भी अहोभाग्य है जो ऐसा संतों का दर्शन मिलना भी बोलता बड़े भाग्य से मिला है। तो इसलिए मैं हमारे इस महाराष्ट्र की धरती में हम आए हैं और गुरु जी का दर्शन करने के लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। धन्यवाद। गौ भारत भारती का ये परम सौभाग्य है कि आज सदगुरु रितेश्वर जी महाराज जी का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। उनके प्रवास के दौरान आज 1 तारीख को गौ भारत भारती के पर आकर उन्होंने उनको हौसला दिया है, हमारा मनोबल बढ़ाया है कि हम ताकि गौ माता की सेवा देश में गौ आधारित अर्थव्यवस्था और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सके। तो मैं माननीय सदगुरु के चरणों में उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और मैं यही कहूँगा कि उन्होंने आकर के हमारे कार्यक्रम को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा दी है। तो ऐसे ही सदगुरु का आशीर्वाद हमारे प्रकाशन पर बना रहे और उनके मार्गदर्शन में हम काम करें, ऐसी मेरी इच्छा है। आज गुरु जी ने दिया आपको कि जैसे उन्होंने कहा कि कृषि में ज़्यादा, मैं एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आज तो कि आज के दिन हमने एक अच्छा काम और आधारित गौ आधारित कृषि व्यवस्था का मतलब ये होता है कि देसी जो गौवंश हमारे भारतीय वो उसका जो बायो फर्टिलाइजर गैस वो बनता है, जो गैस
गोबर का जो इस्तेमाल होता है खेतों में इस्तेमाल होता है उसको जैविक खेती कहते हैं। तो जैविक खेती जितनी यूरिया रहित या रासायनिक खेती से हम जितना बचेंगे उसके लिए हमें गाय के गोबर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और गाय के गोबर का इस्तेमाल, गौमूत्र गोबर का इस्तेमाल हम तभी कर पाएंगे जब गाय प्रचुर मात्रा में गौ वंश हमारे देश में बचेगी। उसको बचाने के लिए हमें यथा प्रयास करते रहना, भारत का भविष्य है। क्योंकि हमारे आप देखिए खाने पीने को लेकर के हम कितने अनबैलेंस हमारे पास खाना पीना है। आज कोई भी आप खाद्य पदार्थ उठा लो, चावल गेहूँ, आप बहुत सारे रासायनिक हम सब्जियाँ खाने लगे हैं और लोग केमिकल मार के सब्जियों को हरा करते हैं। आप सोचिए उन सब्जियों को जब आप पका के खाते हैं तो पूरा केमिकल खाते हैं आप। हमारे वैज्ञानिकों का कहना ये है कि अगर हम इसको नहीं बचा पाए, नहीं सुधार पाए तो आने वाले 10 से 15 20 वर्षों में 15 20 साल के लड़के बेमौत मर जाएंगे, उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। आज के नौजवानों में हार्ट अटैक का जो न्यूनतम जो पैमाना देखा गया है, आप सब मीडिया से हैं तो आपको पता होगा कि 15 20 30 साल के 30 35 के अंदर के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। पहले तो ऐसा नहीं था, हार्ट अटैक इतने होते नहीं थे, नौजवानों को हार्ट अटैक तब क्यों। तो मुख्य कारण यही है, इसमें देखा गया कि यूरिया युक्त रासायनिक युक्त उनको खाना वो खाते हैं, इसलिए उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमज़ोर हो चुका है, कमज़ोर है, वो झेल ही नहीं पाता है। हमारी जन्म जो है, मैं 76 का हूँ, तो हम 70 के दशक में पैदा हुए तो हमारे घर में गाय होती थी, तो हमारी दादी हमको दूध, गाय का ओरिजिनल दूध पिलाती थी, कच्चा दूध। तो थोड़े हम हट्टे कट्टे, अभी तक आई एम रनिंग 47, अभी 48 लग गया मेरा, तो हम चल रहे हैं। वक्त आने वाले टाइम पे ये बड़ी स्थितियाँ खतरनाक होने वाली है, इसके लिए गौ आधारित खेती, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें करना चाहिए और उसका भोजन हमारे घर में जाएगा तो हम जीवित रह पाएंगे, मैं यही कहूँगा। और आज सदगुरु जी ने हमारे कार्यक्रम में हमको आके आशीर्वाद दिया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो मैं संजय अमान जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया गुरु जी को मिलने का, उनका सानिध्य पाने का। और सच में उनको देख के मैं मंत्रमुग्ध हो गया, और इतनी सुंदर वाणी और इतना सुंदर संदेश उन्होंने दिया कि सीधा दिल में उतर गया। और बहुत ज्ञानी है, भगवान के बहुत नज़दीक है, और उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया हमको। और संजय अमान जी को मैं बहुत आभारी हूँ। मेरे को अभी पता चला है कि उनका जन्मदिन है, तो उनका जन्मदिन की भी बधाइयाँ दे रहा हूँ, और यही संदेश के साथ मैं आप सबका आभारी हूँ। प्रकाश जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम रहा रेशेश्वर जी महाराज जी का मुंबई में आगमन हुआ, भजन से आपने मंत्रमुग्ध कर दिया लोगों को। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी खुशी की बात होती है इस तरीके का जब कार्यक्रम में, और खास करके रेशेश्वर जी महाराज का मुंबई आगमन में। कहते हैं कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पितहि गुरु ना वही माथा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। गुरु का जो दर्जा होता है, जो पदवी होती है, वो सबसे बड़ी होती है। कहते हैं गुरु गोविंद हो खड़े काके लागू पाए, सबसे बड़े गुरु होते हैं जो ईश्वर के बारे में बताते हैं हमें। और आज हमें मौका मिला सदगुरु रितेश्वर जी का स्वागत करने का, उसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। और गौ गाय भारती ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, साथ में मधुर फिल्म भी था जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस और कितनी कठिनाई की चैलेंज था, क्या देखिए कठिनाइयां तो रहती हैं, हर समय रहती हैं, हर वक्त रहती हैं। जब ये हमारे सामने आया कि हमें रितेश्वर जी का स्वागत करना है, तो हमने संजय अमान जी से बात की, गौ भारत भारती के जो एडिटर हैं, चीफ हैं, तो उन्होंने, वो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और लगातार उन्होंने तैयारियां की, बहुत खूबसूरत तैयारी संजय अमान जी ने की। और उसके बाद आप सब लोगों ने देखा ही कि अच्छे से कार्यक्रम हो गया। धन्यवाद, थैंक यू आप।